एबीपीएस न्यूज। भदोही जनपद गोपीगंज नगर में एमएलसी ब्रजेश सिंह के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय और गोपाल उपाध्याय ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि भदोही वाराणसी चंदोली से विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह राष्ट्रीय संरक्षक के निर्देश पर केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर यह प्रेस वार्ता बुलाने का निर्देश मिला है कि भदोही ब्लॉक में प्रधान संघ अध्यक्ष पवन सिंह के खिलाफ भदोही ब्लॉक के कुछ प्रधानों द्वारा आरोप लगाया गया था कि पवन सिंह ब्लॉक अध्यक्ष भदोही हम प्रधानों की समस्याएं नहीं सुनते, जिससे हम प्रधान साथी दुखी हैं और इसी शिकायत को लेकर होटल सिराज में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शिकायतों के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल ही रहे थे कि कुछ प्रधानों ने यह मांग उठाई कि भदोही ब्लॉक अध्यक्ष को बदल दिया जाए और जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र के ऊपर दबाव बनाकर भदोही ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संघ की अनैतिक घोषणा करवा दी, जिसकी अखिल भारतीय प्रधान संगठन अनैतिक मानते हुए मनोनयन रद्द करते हुए राष्ट्रीय संरक्षक ब्रजेश सिंह के निर्देश पर जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें ब्रजेश सिंह के प्रतिनिधि रवि सिंह साजन तथा अन्य 5 पदाधिकारी वाराणसी चंदौली जनपद से रहेंगे, जो भदोही ब्लॉक के अध्यक्ष पवन सिंह के ऊपर लगे आरोपों की जाँच कराई जाएगी और जो पदाधिकारी निष्क्रिय होंगे उन लोगों के खिलाफ संगठन कोर कमेटी कार्यवाही करेगा। गोपाल उपाध्याय ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि 7 सितंबर 2018 को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रदेश स्तरीय महापंचायत लखनऊ में आयोजित की जाएगी। उसकी तैयारियां उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बैठक कर प्रधानों को लखनऊ के धरना में शामिल होने के लिए ब्लॉकों पर बैठक के रूपरेखा तय की जाएगी। गोपाल उपाध्याय ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों के जांच के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। भदोही जनपद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हम प्रधानों को भदोही में मिलने नहीं दिया गया और प्रधानों को जांच के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर तत्काल उत्पीड़न बंद नहीं किया जाता तो सभी प्रधान विधानसभा घेरने का कार्य भी करेंगे तथा प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय के बढ़ते जनाधार से घबरा कर कुछ राजनीतिक लोग जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय को जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। गोपाल उपाध्याय को समाज में नीचे दिखाने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिसे प्रधान व प्रधान संघ के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जिला प्रशासन अपने रवैये पर अंकुश नहीं लगाता तो ODF का विरोध किया जाएगा और सभी प्रधान साथी ग्राम सभा के कार्यों से अपने को अलग रखेंगे और किसी भी विकास कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। प्रेस वार्ता में शिवभूषण उपाध्याय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधान संघ तथा जिलाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सुशील त्रिपाठी, मधुकर मिश्र, अजीत यादव, दुर्गेश सिंह, भानु प्रताप सिंह आदि लोग भी उपस्थित रहे।